ओम शांति। थैंक यू आशा देवी सिस्टर, थैंक यू सो मच। अभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या बताया बाबा ने? आज का थोड़ा छोटा मुरली था। हाँ जी बोलिए मेघना, मेघा सिस्टर। ओम शांति दीदी, जितना जितना पवित्रता के पिलर को हम पक्का करते जाएंगे उतना उतना हम लाइट हाउस की स्थिति में जाएंगे, ऐसा आज बाबा ने कहा है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हमेशा याद में, स्मृति में रहो कि बाप का वरदान है, ये सदा स्मृति में रहे। तो अपने सिर्फ आपके सिर्फ हाथ काम नहीं करेंगे, लेकिन बाप की शक्ति आपके हाथों के साथ काम करेगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा डायमंड जुबेली मनाना, यानी कुछ नवीनता दिखाना। फिर बाबा ने कहा सभी डिपार्टमेंट यानी गवर्नमेंट के ऑफर करे कि ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के लिए। मधुबन में महामंडलेश्वर आए थे, उन्होंने कहा हमारे आश्रम भी इनसे चलाने। बाबा कहते ऐसा प्रैक्टिकल स्वरूप करना है। ओम शांति। जी ओम शांति। बाबा ने मुझ आत्मा को कहा है कि जो जो लौकिक रचना है आपके पास, और उसको आपने इतने इतने अच्छे मूल्य देने हैं, दिव्य गुणों से भरपूर करना है कि जो चैतन्य सर्टिफिकेट का रूप बन जाए, वो उनको देखकर लौकिक में, मोहल्ले में, टीचर्स, किसी से मुझ आत्मा को पूछना ना पड़े कि आपके बच्चे कैसे हैं। वो एक एक आईना दिखाएं बाबा का, बाबा को प्रत्यक्ष करें। संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा था छोटे बच्चों को एक मुरली का लाइन बतानी है, कोई भी एक लाइन बच्चों को बतानी है, माओं को, है ना, लौकिक माए को। जी ये लाइन भी यहाँ कोरिलेट हो जाती है। तो बाबा मैं आत्मा 100% कोशिश करूंगी ये। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अगर कोई भी आपके अंदर आर्ट है, जैसे ज्ञान सरोवर में जो म्यूजियम है उसको विशेष डबल विदेशी बच्चों ने बनवाया बनाया था, तो बाबा कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर कोई भी आर्ट है तो उस आर्ट को वरदान समझकर कार्य में लगाओ। तो बाबा कहते हैं कि ये वरदान रामानुसार निमित्त बना हुआ है, उससे कार्य सहज और सफल हुआ ही पड़ा है। तो बाप का जो वरदान मिला है तो इसे स्मृति में रखोगे तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ आपके काम नहीं कर रहे हैं, आपके हाथ कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बाबा की शक्ति है वो आपके हाथों के साथ कार्य कर रही है, तो सफलता हुई ही पड़ी है। ओम शांति। हाँ जी, इसके लिए हमारा सत हाँ सरेंडर बुद्धि होना इम्पोर्टेंट है ना। बाबा ने दिया हुआ ये विशेषता है, ऐसे समझकर उसको कार्य में लगाने से बाबा तब शक्ति भरेगा, है ना। मेरा है, खुद का है, मैंपन होता है तो बाबा नहीं शक्ति देगा। हाँ बाबा ने पहले ही बताया था, है ना। अच्छा, और क्या बातें बताई है बाबा ने? ओम शांति। बाबा हाँ ने जी कुमारियों से कहा कि कुमारियों को अपने जीवन का स्वयं स्वयं का मित्र बन निर्बंधन बनाने में नंबर वन जाना चाहिए। और निर्बंधन न मन का बंधन न संबंध का बंधन, डबल बंधन से मुक्त। ओम शांति। सो निर्बंधन दो बात के बाबा ने यहाँ कहा है। और भी हम बंधन कौन सा होता है उसके ऊपर हम चिंतन कर सकते हैं। कोई बताना चाहता है और क्या-क्या बंधन हो सकता है, उससे हम निर्बंधन कैसे बने?
ओम शांति। सबसे बड़ा बंधन तो मन का बंधन है और विकारों का बंधन है, जैसे मोह है या दूसरों के अपना संबंधों के साथ मोह रहता है, और धन का भी बंधन होता है, तन का भी बंधन होता है। तो तन बीमार होता है तो वो भी बंधन बन जाता है सेवा में, ऐसा बंधन है। ओम शांति। थैंक यू। अच्छा अच्छा बोलिए बोलिए। कोई भी कार्य, कोई भी हम कार्य करते हैं, अगर वो हमें अपनी तरफ खींचता है, चाहे कोई परिस्थिति है जो अपनी तरफ हमें खींचे, तो वो बंधन का रूप ले लेती है ना। यही है ना दीदी जी बंधन। मैं आत्मा एक साल है ज्ञान में, थोड़े ही तो कुछ कुछ हो जाता है कि नहीं ठीक हो। ओम शांति। हाँ जी जरूर है, दैट इज ट्रू है ना। जो हम मेपन से करते हैं, मेरा समझकर हम करते हैं, वो बंधन बन जाता है ना। मैं निमित्त हूँ है ना, करण कराने वाला बाप है, ऐसे समझने से है बंधन मुक्त हम हो जाते हैं। दीदी, सफलता भी अगर किसी कार्य में मिलती है तो उसके फिर वो अभिमान आ जाता है, तो उसके वश बंधन में बंध जाते हैं। और बाकी जो विकार हैं कि क्रोध है, मोह है, लोभ है, तो इसमें भी सूक्ष्म में भी है और स्थूल रूप से भी, अपने कोई भी अगर आदत होती है तो उसके बंधन में बन जाते हैं कि क्या करें, हमारा ये क्रोध करने का संस्कार नहीं था लेकिन आ गया। बाकी सूक्ष्म बंधन जो मोह, चाहना, इच्छा, ये सब छोटे छोटे भी बंधन है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। और भी इसमें ऐड हो सकता है बंधन, जैसे लौकिक के बंधन होते हैं, हमारे संबंध के बंधन, जैसे हम अकेले ज्ञान में चल रहे हैं और हमारे परिवार वाले ज्ञान में नहीं है, तो वो भी एक बंधन क्रिएट कर देते हैं बहुत सारी, जैसे धारणाओं के रिलेटेड। ओम शांति। हाँ जी, संबंधों का बंधन है ना, देह का साथ संबंधों का बंधन। और बुद्धि का बंधन, बुद्धि का भी बंधन हो सकता है ना। आलस्य, अलबेलापन, वो भी एक बंधन है। और संस्कारों का भी बंधन होता है। हाँ जी, पुराने स्वभाव संस्कार का भी बंधन होता है। संग का बंधन होता है। और दीदी, जब हम अपनी विशेषताओं को कहते हैं जी मैं बहुत अच्छा, जैसे बाबा ने आज बताया कि निमित्त होकर चलना है, तो अगर हम ये अपना मान लेते हैं तो वो भी फिर बंधन बन जाता है ना। मैंपन का बंधन होता है जी। अच्छा बोलिए पुरुषोत्तम भाई जी, बोलिए आप। ओम शांति। जैसे भाई साहब ने बोला था कि मन का बंधन है, तो सबसे बड़ा और मूल कारण मन का ही बंधन रहता है, और उसका सॉल्यूशन यह है कि निराकारी स्वरूप की स्मृति अगर हमारे निरंतर रहेगी तो मन के बंधन से मुक्त रहेंगे। ये 13.585 की मुरली में भगवान ने इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया है। और आज की मुरली में भगवान बोला है कि कुमारों का 400-500 का ग्रुप गवर्नमेंट को दिखाना चाहिए, तो ये प्रैक्टिकल में भी शायद 2009 में दिखाया था, गए थे 400-500 कुमार, और उनमें कहा है कि घर वाले पवित्रता के कारण बिगड़ेंगे लेकिन दिव्य गुणों के बारे में उन्होंने आपकी प्रशंसा करनी चाहिए। ओम शांति। थैंक यू। अच्छा, सो पाप कर्मों का भी बंधन हम बोल सकते हैं ना। अच्छा सुनील भाई जी, आप बोलिए, आपका हैंड रेस है। हाँ जी, ओम शांति दीदी। एक बंधन होता है सेवाओं का बंधन, जैसे कि हमें कोई सेवा मिलती है, अगर हमें वो सेवा मिलती है और वो सेवा अगर कोई दूसरे आके करते है तो उससे भी संकल्प चलते या कभी डिस्टर्ब होते है, तो ये भी एक बंधन हो जाता है, तो इससे भी मुक्त होना जरूरी है। ओम शांति।
अर्चना दीदी बताया है इच्छाओं का भी बंधन होता है। कोई ने बताया है, बीना सिस्टर ने, संस्कार का, परिस्थिति का, समय का, संबंधों का, प्रकृति का, मान्यताओं का, रीति रिवाज का, बहुत करेक्ट है। लौकिक में रिचुअल का बंधन, ये भी है, रिचुअल्स का भी बंधन बहुत बड़ा है। अपने श्रेष्ठता, कर्मों का बंधन बहुत बढ़िया। सो अनेक प्रकार का बंधन है। सो बंधन मुक्त होने के लिए सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकता है? हाँ बोलिए सुकुमार जी। बंधन मुक्त होने की 69 की मुरलियों में बाबा ने पहले ही बताया, अपनी जो अनादि स्वरूप है, जो बिंदु रूप है, बिंदु रूप में स्थित होना और अपने को स्वयं मेहमान समझना, और जो भी है देह सहित जो कुछ भी है सब बाबा की अमानत समझ के चलना, ये शायद इससे हमारा हर बंधन से हम मुक्त, खास करके मैं मेहमान समझ कर चलने से। आज ही सवेरे पढ़ते तो उसमें यही बोला, मेहमान समझेंगे तो किसी चीज से ना बंधन होगा, ना सब संबंध से भी, सब प्रकृति से भी, सब चीजों से हम बंधन मुक्त रहेंगे। मेहमान को किसी के चीज पर कोई आसक्ति नहीं होता है। कुछ दिन के लिए हमें मिला है, हमें सब कुछ छोड़कर, इवन प्रकृति और ये देख सब कुछ छोड़कर वापस अपना घर जाना है, शायद उससे हमें बंधन मुक्त हो सकता है। ओम शांति। ओम शांति। निर्बंधन होने के लिए जैसे इसी मुरली में बाबा ने कहा है ना कि हमारी जो भी विशेषता हो, जो भी गुण हो है ना, तो उसको पहले ज्ञान ज्ञान से पहले उसको जोड़ना है, अर्थात जो भी विशेषता है सबसे पहले उसको समर्पण करना है। बाबा को समर्पण करके फिर उसको यूज करेंगे है ना, तो फिर हम किसी चीज का बंधन में नहीं आएंगे, ना हमारी विशेषता, ना हमारे गुण है ना किसी के प्रभाव में, तो सबसे हम फ्री हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें समर्पण की भावना होनी चाहिए, तब हम बंधन मुक्त हो सके। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, स्वप्निल भाई जी बोलिए। ड्रामा बंधन मुक्त होने के लिए अगर हम ड्रामा के ज्ञान की स्मृति हमेशा रखते हैं और करण करावनहार या निमित्त भाव की अगर स्मृति रखते हैं तो इससे भी हम बंधन मुक्त हो सकते हैं। ओम शांति। अच्छा जी, है ना, एक्टर है हम सब, है ना, ड्रामा में हम एक्टर है, एक्ट कर रही है, ये स्मृति रहेंगे तो हम बंधन मुक्त। हाँ जी, रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। देखिए, व्यक्ति विशेष से अगर बंधन है तो अपने आप को आत्मा समझना, और परिवार में बंधन अगर किसी आत्मा से हो रहा है तो उसको भी आत्मा देखना कि ये आत्मा का भी अपना पार्ट है, उसको स्नेह की दृष्टि से देखना कि ये भी विशेष आत्मा है। फिर ये व्यक्ति विशेष से बंधन, फिर उसके बाद ड्रामा का ज्ञान, जैसे अभी भाई बहनों ने शेयर किया कि ड्रामा का ज्ञान की अब घर जाना है, 5000 वर्ष पूरे हुए, अब सबको घर जाना है, सबके हिसाब किताब है, सबका अपना अपना पार्ट है हर आत्मा का। और अगर हमें कोई भी हमारी विशेषता की वजह से अभिमान आ रहा है, बंधन बन रहा है, तो ये भी बाबा ने दिया हुआ है, मैं तो वो करण करावन हार है, तो इस तरह अगर हम रखेंगे इस प्रति में तो फिर बंधन मुक्त होंगे। ओम शांति। अच्छा, बहुत अच्छा है ना। सो हम यात्रिक है, हम यात्रा पर है, ये भी स्मृति रहे, हमको वापस अब घर जाना है, सो तब हम बंधन मुक्त रहेंगे। ये सब हम भूल जाता है, ड्रामा का, एक्टर का, है ना, करण करावनहार का, ये सब हम भूल जाते, तब हम बंधन में आ जाता है। हाँ, परमिंदर आप बोलिए, भाई जी बोल सकते हैं। जी, हम इस समान की स्मृति में भी रह सकते हैं कि मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, हमें बाबा से इतना इतना स्नेह में रहना है, बातें करनी या उतने उसके साथ इतना स्नेह होना चाहिए प्रैक्टिकल में कि हमें अंदर से अनुभव हो इस चीज का,
हाँ ये बाबा करा रहा है, कुछ भी कर रहे हैं तो वाकई ये हमें अंदर से एक्सेप्ट हो के बाबा ही करा रहा है, मैं अपने आप को कठपुतली क्यों नहीं समझ सकती। तो इस चीज का नशा रहना चाहिए, ये तभी रहेगा हमारा जितना 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 ज्यादा बाबा से प्यार रहेगा। जी ओम शांति। हाँ जी, बंधन मुक्त होने के लिए सहज, सबसे सहज तरीका क्या है? बाबा का प्रति प्यार। बहुत बढ़िया जी। अर्चना दीदी जी, आप हैंड रेस किया है, बोल सकते हैं। जी दीदी जी, हमें ऐसा लगता है कि जब हम बंधन को बंधन नहीं समझेंगे तो भी हम उसको आगे बढ़ने की एक सीढ़ी समझ लेते हैं और पूरा प्रयास करते 100% कि हमें आगे ही बढ़ना है, तो वो भी दृढ़ निश्चय से हम उसको तोड़ सकते हैं या अपनी अवस्था को और अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि कभी कभी बंधन बंधन समझने से भी हमारी हम रुक जाते हैं वहां पर, कभी कभी ऐसे होता है, तो वो भी हम और उसको एलिवेटेड में लेके जा सकते हैं। जी बहुत बढ़िया है ना, बंधन को बंधन okay. समझा। हाँ जी, हाँ ओम शांति। मुझे ऐसे लगता है बंधन में हम बांध लेते हैं, कभी कभी लगता है मुझे ऐसे हम बांध लेते हैं और औरों को बोलते हैं मुझे छुड़ाओ छुड़ाओ। इसका एक उदाहरण बताया था एक मुनि जी ने, एक आदमी पेड़ को पकड़ के ऐसे बैठा था, खड़ा था अपने दोनों हाथ से पकड़ के पेड़ को, और वो पुकार रहा था सभी को, मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ। फिर उन्होंने बताया, अरे तुम्हारे दोनों हाथ खुले करो, छूट जाएंगे तुम। तो ये मुझे उदाहरण बहुत अच्छा लगा कि बंधन से कैसे छूटना। ओम शांति। ओम शांति। मैं बोलूं बहन? हाँ जी बोलिए। बाबा से जो भी प्राप्तियां हमें मिली है शुरू में, जब से हम बाबा के बच्चे बने, वो सारी प्राप्तियों को याद करेंगे तो हम अपने आप निर्बंधन हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बंधन मुक्त होने के लिए बाबा ने एक बात युक्ति और बताई थी कि मैं आत्मा करा रही हूँ, मन कर्म करा रही हूँ कर्मेंद्रियों से, ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा करा रही हूँ कर्मेंद्रियों से। और संडे की मुरली में बाबा ने कहा था कि हद है बंधन बेहद है निर्बंधन, तो हम हद में होके करेंगे तो वो बंधन होगा, और बेहद मन उपराम न्यारा साक्षी होके कर रहे हैं, त्रिकालदर्शी बुद्धि रहेगी हमारी कि इसका आदि मध्य अंत क्या है इस क्रम का, तो हम उस क्रम को निर्विकारी होके करेंगे, सतोगुणी होके करेंगे उस क्रम को, तो वो निर्बंधन ही कहलाएगा। ओम शांति। हाँ जी, है ना, बहुत बढ़िया है ना। हमारा इच्छा तो होता ही है ना, कोई ना कोई चीज में, सो उस इच्छा को हम श्रेष्ठता में परिवर्तन करते है ना। बाबा ने हमको लक्ष्य दिया है ना, इच्छा रखने के लिए लक्ष्य भी दिया है, नंबर वन बनना है, पूज्य पद पाना है, श्रेष्ठ पद पाना है, सो उसके तरफ हम कॉन्सेंट्रेट करें तो ऑटोमेटिकली हमारा बंधन है देह का रिलेटेड जो भी है सब बंधन, हम बंधन से हम दूर हो जाएंगे, उसको क्रॉस कर देंगे। लक्ष्य को रखना है और समय का स्मृति भी हमको रहना है, अभी कैसा समय चल रहा है, मुझे क्या करना है, इस स्वरूप पे स्मृति में रहते हैं तब हम अन्य बातों से हम न्यारा हो सकते हैं। हाँ जी कविता सिस्टर बोलिए आप। हाँ ओम शांति दीदी, मुझे ये सब बोलना था अभी, इतना सब हमारे जो कुछ भी बंधन रहते हैं ना, ये सब कुछ देह अभिमान होने के कारण रहते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी, कोई भी हो चाहे छोटे से लेके बड़े तक, सब कुछ देह अभिमान से रिलेटेड रहते हैं। तो अगर हम देही अभिमान के परे चले, देही अभिमान हो जाएंगे मतलब उसके परे निकल जाएंगे, तो हम सब ये सब बंधनों से हम मुक्त होकर निर्बंधन बन जाएंगे। क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म अगर चेकिंग की जाए तो सब कुछ रिलेटेड हमारा देहाभिमान, मुझे कोई भी छोटी सी छोटी बात अगर मन में भी आती है कि ये चाहिए तो ये चाहिए बोले तो वहां पे वो सूक्ष्म चेकिंग में भी ऐसी इच्छा आ जाती है, तो वो हमको खींच लेता है, हम वहां से निकल नहीं पाते हैं।
ये मेरा मानना है। ओम शांति। ओम शांति बहन। और एक बात, आज की मुरली में जो बाबा ने कहा है कि निर्बंधन अगर इससे भी हो सकते हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं तो सिर्फ, बाबा ने कहा कि सिर्फ हाथ काम नहीं करेगी लेकिन बाप की शक्ति आपके हाथों के साथ काम करे, मना करण कराने वाला करण करावाना बाप है, हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट समझकर हम अगर हर कार्य करते हैं तो हम निर्बंधन हो सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। हम ऐसे भी कर सकते, बंधन मुक्त होने के लिए बाबा ने जो मुरलियों में बताई हुई छोटी छोटी विधियां होती है उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, कि सुमानों का भी हो सकता है, मीन्स कुछ अलग अलग प्रकार से हम योग के प्रयोग करेंगे और उससे भी बंधन मुक्त हो सकते हैं। और एक है कि हम, हमारे से जो वरिष्ठ है सारे एडवांस पार्टी की पूर्वज आत्माएं, उनकी भी शक्तियां उनकी भी दुआएं हमारे साथ होती है तो हम उनकी मदद से, मम्मा बाबा की शक्तियों की मदद से भी उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं, माना कुछ प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो कभी कभी हम बस वर्णन करते रहते हैं लौकिक बंधनों का या अलग अलग प्रकार का, लेकिन उसके ऊपर हम कुछ काम नहीं करते है, तो ये भी एक विधि हो सकती है। ओम हाँ जी, है बहुत बढ़िया है, योग का प्रयोग है ना, दीदी जी ने बहुत सुंदर रीति से बताया है ना, पूर्वजों का भी हम सहायता ले सकते हैं, बहुत बढ़िया। और कोई एक दो पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, बंधन एक मन का बहम है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे छोटे होते हाथी को ना मावत क्या करते हैं, बेल से बांध देते हैं तो वो छोटे में तोड़ नहीं सकता, वो तो कोशिश करता टूटता नहीं, लेकिन बाद में उसको थोड़े टाइम बाद कुछ साल वो खोल देते हैं फिर वो वही खड़ा रहता है, बंधन है मैं तोड़ तो सकता नहीं, फिर वो मन का बहम, मन में बहम रहता है मेरे को बंधन है बंधन है, उससे शुरू में मन के मन में बहम बैठ जाता है मैं बेल को तोड़ नहीं सकता इसलिए फिर वो भागता नहीं, शुरू मन में बैठ जाती है ये बात, ये भी बंधन है। अच्छा। ओम शांति। बंधन मुक्त होने के लिए एक और बाबा ने बताया था कि अंतर्मुखी होके अगर हम कर्म करेंगे, क्योंकि बाहरा मुक्ता में हमें देहधारी दिखाई देते हैं लेकिन अंतर्मुखी होके कि मैं आत्मा परम धाम वासी हूँ और कर्म करा रही हूँ देह से। ओम शांति। बहुत अच्छा जी। So, वानप्रस्थी है हम, ये स्मृति रहे हमको, है ना। प्रमिला देवी आप बोल सकते हैं। ओम शांति। मेरा कहना है दीदी, हम तो जैसे बाबा को सब अर्पण कर दिए हैं, तो जब बाबा को अर्पण कर दिए तो बाबा का ही सब चीज है ना, तो हम तो मेहमान है और जब मेहमान है तो फिर जो चीज करेंगे बाबा ही करेंगे ना, तो उनका तो वह, हमको तो कोई मोह नहीं उस चीज पर होना चाहिए, जो भी दे रहे हैं दान दे रहे हैं जो भी कर रहे हैं वो बाबा कर रहे हैं, हम तो सारा चीज बाबा को अर्पण कर दिए, यही मेरा कहना है दीदी। ओम शांति। बहुत बढ़िया। सो दीदी ने कहा है अपनी तपस्या बढ़ाना है, इससे बंधन मुक्त होंगे जरूर, है ना। सो एक ही शस्त्र है, बहुत शस्त्र है लेकिन पावरफुल शस्त्र क्या है, बाबा का साथ जोड़ कर रहना, है ना, योग अग्नि तपस्या में रहना, सो इससे हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। सो आज हम यही होमवर्क लेंगे, दिन भर हम चेक करेंगे हमारा साथ क्या क्या बंधन है, वो चेक करेंगे, उसको हम कैसे निर्बंधन करें उसके ऊपर हम चिंतन करेंगे। निर्बंधन बनना ही है मुझे, आज इस संकल्प के साथ हम सारा दिन निर्बंधन रहने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सो अभी हम योग करेंगे, आशा देवी सिस्टर आप करा सकते हैं योग। आप है ऑनलाइन आशा देवी बहन? अच्छा, नीरज भाई जी, ओके
ओके, और कोई करना चाहते हैं? अच्छा हाँ, पुरुषोत्तम भाई जी आपका हैंड रेस है, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा योग कराइए। हाँ करा सकते हैं, करा देना। थैंक यू। ओम शांति। स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित करें। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में बैठी हुई तपस्वी आत्मा हो। मुझ आत्मा से पूरे शरीर में चैतन्य किरणों की श्वेत रश्मियां पूरे शरीर में फैल रही है और ये साकारी शरीर आकारी फरिश्ते महाफिक होकर उड़ रहा है, उड़कर अब ये फरिश्ता पहुंच गया सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के पास। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने, हम उनके गोदी में बैठे हुए हैं, एक नन्ना सा फरिश्ता, और बाबा हमें एक बहुत बड़ा टीवी स्क्रीन दिखा रहे हैं। उसमें हमें अपने ही 84 जन्मों की कहानी बता रहे हैं, कैसे हमने भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जन्म लिए सतयुग से कलयुग के अंत तक। उनमें से आधे जन्म मेल कॉस्ट्यूम में, आधे फीमेल कॉस्ट्यूम में, कभी हम किसी के पिता तो कभी हमारे कोई पिता, वास्तव में सभी तो भाई भाई थे। अब ये 84 जन्मों का खेल खत्म हुआ और हमारा मर्जीवा जन्म हुआ, जिसमें हमें सच्चे पिता शिव पिता मिले और सच्ची माता ब्रह्मा माँ मिली और ज्ञान की देवी जगदम्बा हमारी छोटी माता बनी। अब इसी स्मृति से हम संपूर्ण निर्बंधन बन चुके हैं। इस मर्जीवा जीवन में ना हमारा कोई है ना हम किसी के हैं। तो हम एकदम लाइट बनकर ब्रह्मा बाबा के साथ उड़ चले अपने निराकारी धाम में। देखिए अपने आप को कल्प वृक्ष की जड़ों में शिव बाबा के साथ कंबाइंड और सभी आत्माओं से रूरियान करें कि हे आत्माओं, इस खेल में अगर हमारे से कोई गलती हुई होगी तो हमें माफ कर देना, और आपसे भी कोई गलती हुई होगी तो हम आपको माफ कर देते हैं। और बाबा से शक्ति लेकर पूरे कल्प वृक्ष में फैला रहे हैं और फिर से मुझ आत्मा इस धरा पर पवित्रता का धर्म स्थापन करने के लिए अवतरित होती है और खुद को फिर से अपने भ्रुकुट सिंहासन पर देखे चमकती हुई मणि। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू ओम शांति। थैंक यू सो मच पुरुषोत्तम भाई जी, और आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव अ ग्रेट डे। गुड डे। गुड डे ऑल तपस्वी। गुड डे। ओम शांति। गुड डे। ओम शांति। गुड डे।